अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से सम्मानित हस्तियां अयोध्या पहुंची थी। देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस समारोह पर खुशी जाहिर की। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इमाम उमेर अहमद इलियासी के शामिल होने पर हंगामा मच गया है। इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इमाम उमेर अहमद इलियासी के शामिल होने पर यह पूरा हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि इस समारोह में शामिल होने पर इलियासी के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। इलियासी ने बताया कि दो दिन तक विचार करने के बाद अयोध्या जाने का फैसला लिया था। फतवा रविवार को जारी किया गया था, लेकिन 22 जनवरी से ही उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि समारोह में शामिल होने पर जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब्द शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को मुझे मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। दावा है कि इस संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम हैं, जो 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आवाज़ हैं। AIIO का दावा है कि वो दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। ये भी दावा है कि इस संगठन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। हाल ही में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा था। दावा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मस्जिद के इमाम को इतनी बड़ी डिग्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर इलियासी को इस्लामी कानून का जानकार माना जाता है। वो उन कुछ इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक है जो आतंकवाद और उग्रवाद पर अपनी साफ स्थिति रखते हैं। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब इलियासी ने एक बयान जारी कर कहा था कि पहले लोग CAA और NRC को समझें और उसके बाद भी कुछ गलत लगे तो शांति के साथ प्रदर्शन करें। इसके अलावा लगभग 1.5 साल पहले इलियासी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। ये मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग स्थित एक मस्जिद में हुई थी। इसके बाद भागवत उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में स्थित मदरसे में भी पहुंचे थे। यहाँ भागवत जब बच्चों से बात कर रहे थे तभी इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता भी बता दिया था। आपको बता दें कि इमाम का विवादों से पहले भी कई बार नाता रहा है। इमाम उमर अहमद इलियासी को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इसे देखते हुए उन्हें साल 2022 में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल चुकी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।